ये भीड़ और चहल पहल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे के बाहर लगी है। कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो इतनी भीड़ भाड़ इस कमरे में हमने नहीं देखी, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मिलने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। आज मुलाकात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं उनसे अक्सर क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का यही रहता है कि आम आदमी से दूर हो गई है, और शायद यही क्रिटिसिज्म अगर आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे मिल रहे हैं तो कोशिश शायद कांग्रेस पार्टी की यही होगी कि उस क्रिटिसिज्म को दूर किया जाए। देखिए तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अलग अलग हिस्सों से देश के आए हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नासिर हुसैन साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपकी पार्टी का या लीडरशिप का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता था कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ये खड़गे साहब अभी थोड़े दिन पहले बने हैं, तो ये क्या उस आलोचना को दूर करने के लिए है? देखिए पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार लोगों को टेंशन पद पे और यहाँ पे मिलते रहे, राहुल गांधी जी भी सबसे मिलते थे, लेकिन कोविड के टाइम पे हेल्थ प्रोटोकॉल था, मिल नहीं सकते थे, बड़े सभाएं लग नहीं सकते थे, लोग लाइन में नहीं खड़े हो सकते थे, तो इसकी वजह से इस परंपरा को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अब आला कमान का मतलब ये होता है कि जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, CWC मेंबर्स और अध्यक्ष मिला के आला कमान होता है। जब इंचार्जर्स जनरल सेक्रेटरीज को बनाए गए, जब लोग आगे जनरल सेक्रेटरी से मिलते थे और जनरल सेक्रेटरीज उनसे मिलते थे, इसका मतलब है जो है एक्सेसिबिलिटी थी हर कोई। अब अध्यक्ष को, जो भी अध्यक्ष रहेंगे उनको पूरे हिंदुस्तान भर के कांग्रेस पार्टी को देखना है, पार्लियामेंट सेशंस को देखना है, गवर्नमेंट्स को देखना है, बहुत ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी रहती है, इसलिए जो है मिलना उतना जो है मिलने के लिए उतनी फैसिलिटी हो नहीं पाती, टाइम भी नहीं हो पाता। अब क्योंकि अध्यक्ष जी को लगा कि थोड़ा टाइम इनको भी निकालना चाहिए, अब कोविड का भी थोड़ा भार कम हुआ है, तो 2-3 घंटे टाइम टू टाइम ये निकालते रहेंगे, आम कार्यकर्ता से मिलेंगे, आम जनता से भी मिलेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये इसी तरह से जारी रहेगी? क्या कोई दिन आप लोग नियुक्त करेंगे जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मुलाकात करेंगे लोगों से, या ये कोई वन टाइम इवेंट? नहीं, ऐसा दिन और टाइम कोई हम लोगों ने नियुक्त नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब अध्यक्ष जी को इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जाना है, मीटिंग्स में अटेंड करना है, स्टेट्स के टूर पे रहना है, तो डेट और दिन हम लोगों ने तय नहीं किया, लेकिन ये होगा कि जब जब इनके पास टाइम रहेगा अनाउंस करेंगे, 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए ACC दफ्तर में टाइम देंगे। तो क्या आम कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं, किस तरह? ऑफिस बेयरर्स तो अपॉइंटमेंट के साथ मिलते ही हैं, बट आम कार्यकर्ता और आम जनता ये दोनों भी जो है अध्यक्ष जी से इस टाइम पे मिल सकते हैं। खुला दरबार होगा, बिना अपॉइंटमेंट के लोग आके मिल पाएंगे? डेमोक्रेसी में दरबार और दर्शन नहीं होते, डेमोक्रेसी में मुलाकातें होते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नासिर हुसैन साहब हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो है वो इंटरेक्शन होता है। देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाथ में ये कुछ पेंटिंग्स लेकर आए हैं, आप कहाँ से आप आए हैं? वो भी निकालो, खड़गे साहब का, खड़गे साहब को उपहार देना है। अच्छा, अब कैसे पता चला कि मुलाकात कर रहे हैं? हमने समय मांगा था, हमें इन्होंने सूचना दी है हमें, और हम आए मिलने। कितने दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है? बहुत दिनों बाद हो रही है, बहुत अच्छा प्रयास है इनका, जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। कितने दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष? मैडम मैं राजस्थान फ्रॉम टोंक जिले से आया हूँ, मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ, और मैं एक सामान्य समर्थक हूँ, और मैंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए 180 पेज की ये बुक तैयार की है, जिसमें राजस्थान की सभी 200 सीटों का विश्लेषण है, विशेष रूप से उन सीटों का विश्लेषण है जो कांग्रेस पार्टी लगातार 4 बार से आ रही है। इस प्रकार की सीटें 35 से 45 सीटें हैं 200 में से, जिस पर कांग्रेस पार्टी 4 बार से आ रही है। पूरे आकलन के साथ? पूरे आकलन के साथ। ऑफिस बेरर हैं या आम कार्यकर्ता? आम कार्यकर्ता हूं मैं, और मेरी ये इच्छा है कि यदि गहलोत साहब का नेतृत्व यथावत रहेगा तो ये 2023 में सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप बताइए कहाँ से मैम आई? मैं राजस्थान से हूँ, NOB हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की। और क्या आप मुलाकात के लिए आई हैं सिर्फ, या कुछ आप भी उनकी तरह एनालिसिस लेकर आई हैं? नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैंने आज एनालिसिस किया है किसी भी चीज़ का। अभी तो अध्यक्ष जी को बधाई और शुभकामना संदेश मैंने पहले ही दे दिया था मुलाकात करके, लेकिन आज मैं अपने व्यक्तिगत काम से, जिसमें मेरी बिटिया की शादी है उसके लिए मैंने निमंत्रण देना था, और जिस सरल और सहज भाव से अध्यक्ष जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और ये आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से समय होने पर
मैं उपलब्ध होऊंगा और बिटिया को आशीर्वाद देने आऊंगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं, महिलाओं, पदाधिकारियों को नई ऊर्जा देता है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार जो है आम कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी के मिल रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित सिन्हा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।